ऑफकोर्स प्लेयर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले गॉब्लिन और हेक्टर जिनसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं पहले गेम के बाहर के सवाल पूछना चाहता हूँ। गेम के अंदर के सवाल तो पूछेंगे, आपके और ओमेगा की कुछ तो बात हो रही थी जब गेम खत्म हुआ, कैमरा पे हमने देखा तो क्या बात हो रही थी? तो ऐसा था कि तो मैच में ना मैंने बहुत गंदा चौक किया था, लाइक मैंने सुबह से वार्म अप नहीं किया, मैं लेट उठा था, तो आई वाज लाइक कि मतलब मेरे बंदा सामने भाग रहा है, मेरे को 3 स्प्रे लग रहे हैं इसको मारने के लिए, तो मैं उसको पीयूवी दिखा रहा था, तो सब लोग हंस रहे थे, बाकी कुछ नहीं। ये सवाल और पूछूंगा आपसे, लेकिन हेक्टर मैं पूछना चाहता हूँ कि अब बात करें जोन प्रेडिक्शन के बारे में, ओमेगा डज अ वेरी गुड जॉब एट इट, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जब हार्ड शिफ्ट होता है जोन, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? हम लोग का प्री प्लान होता है कि ये हार्ड शिफ्ट जाएगा तो हमें करना है क्या करके, तो ओमेगा ऑलरेडी सब बता के रख देता है कि अगर ये जोन जाएगा तो ये करेगा, ये जोन जाएगा तो ये करता है। मेरा काम ये रहता है कि बस दो प्ले में से कुछ चूज़ करना है कि हाँ ये चूज़ हमारे लिए सही है, ये करता है। तो ओमेगा से बेटर आईजन मैंने कभी देखा नहीं, ना कोई खिला पाएगा ऐसा, उसको जोन का बहुत ज़्यादा ही पता है, तो वो हमें इतना हार्ड शिफ्ट के लिए कभी जाता ही नहीं है कि हार्ड शिफ्ट जा रहे हैं हमसे जोन एंड हमसे भाग रहे हैं, हम लोग ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट ना जब हम लोग चोक करते तभी ऐसा हमारा कि वो मिस्टेक्स होता है, वरना जोन्स की तो बीटी हमें नहीं हुई कभी। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ BMPS आप जीते थे, चैंपियन थे, कल थोड़ा सा स्ट्रगल किया, क्या लगता है आपको क्या सुधारा जा सकता है? तो कल हम लोग थोड़ा चोक किए, लाइक बहुत ज़्यादा 44 फाइट्स और एंड लॉस कर रहे थे, बट इट्स नॉट अ बिग डील, एक दिन सबका खराब होता है, तो चैंपियंस आर चैंपियंस, तो एक दिन खराब होने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये बताइए, मुझे देखिए अच्छे सवाल भी है, फन सवाल है, आई वांट टू आस्क यू अ फन क्वेश्चन। इन्होंने बताया था, हेक्टर ने मुझे बोला था कि आपसे ये सवाल पूछूं, आपके बगल में बंदा बैठा था, आपको 2 मैगजीन लगी, बात करें आप MVP थे BMPS के, यहाँ पे क्या हो गया? वो अभी प्रैक्टिस मैच थी तो हो जाता है, ठीक है, अगली बार नहीं होगा तो ठीक है, कोई नहीं। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर सैस की बात करें, अभी तक सिर्फ एक फिनिश हुआ है आपका, तो अभी उसके ऊपर फोकस करने वाला कि आर यू गोइंग टू गो विद द फ्लो? गो विद द फ्लो ऐसा कोई फोकस तो नहीं है, लाइक अभी तो टॉप 16 क्वालिफाई करना है, फाइनल्स में मारने का मेन मोटिव है, फाइनल्स में जीत जाएंगे आराम से, लाइक अपना बेस्ट देंगे, बाकी सब तो अपने आप हो जाते हैं। जी हाँ, बाकी सब अपने आप हो जाते हैं, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ हेक्टर, टीम की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है यहाँ पे? बिकॉज देखिए यहाँ पे तो आपने चिकन डिनर निकाला ही है, बट व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द टीम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी? हमारा वही है कि हमें 4v4 फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारा बेसिक मोटिव यही होगा कि हमें जोन तो जाना है, जोन तो मिल जाएगा, बट जहाँ पे हम वीक है तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि वो PMW में आके हमें बेनिफिट देगा। तो हमारा वही कि जितने भी 4v4 टीम्स यहाँ पे सारी बेस्ट टीम्स है, तो उनसे 4v4 सीखना है, हमें कम्पीट करना है कि हम अपना 4v4 सारे 4v4 निकालें हम लोग। ऑफकोर्स देयर इज नो प्रेशर ऑन यू, बट मैं जाना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट्स के पास, उनसे जानना चाहते हैं उनका क्या कहना, बिकॉज बात करें जो आखिरी फाइट हुई थी, 2 मैगजीन लगी थी एंड स्पीडो के साथ मैं भी बातचीत कर रहा था जब जोन बन रहा था, बट हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे इसके बारे में? ओवर टू यू।